मेघा बोलना। सुना है तू करवा चौथ का व्रत रख रही है। हर जगह चौथी में पढ़ने वाली लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं रख सकती? लेकिन करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अरे तो होगी ना चाहती, बनेगा ना कोई पति, पता चला उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत ना रखूं तो होने वाला पति पति देव बनने से पहले देवलोक में पहुंच जाए। बॉयफ्रेंड के लिए रख रही है ना? बॉयफ्रेंड के लिए क्यों रखूंगी मैं व्रत? पता चले व्रत रख के उसकी उम्र को लंबा मैं करूं और वो शादी किसी और से कर ले। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? सही तो कह रही हूँ, बॉयफ्रेंड के लिए अगर व्रत रखूंगी तो उसकी उम्र लंबी होगी कि नहीं? होगी। फिर अगर बॉयफ्रेंड की शादी किसी और से हो जाए तो उसकी बीवी की तो लॉटरी निकल जाएगी है? उसको तो एक्स्ट्रा उम्र वाला पति मिल जाएगा, ठीक वैसे जैसे तेरे पास टूथपेस्ट है ना, 20% एक्स्ट्रा वाला। तो मत रख व्रत, क्या जरूरी है? नहीं कोई तो बनेगा ना हस्बैंड, तो उसकी उम्र को तो लंबा करना पड़ेगा। अच्छा तुझे पता है हस्बैंड का मतलब क्या होता है? हस्बैंड का मतलब क्या होता है पता नहीं? हस्बैंड का मतलब होता है कि जिसकी हस्बैंड बचती है। तू व्रत तो रख रही है करवा चौथ का, लेकिन तुझे पता है सब पति अपनी पत्नियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये डायरी देख रही है, जब से मैंने करवा चौथ का व्रत रखना शुरू किया है, मतलब कि पिछले 5 साल से सब कुछ हिसाब किताब इसमें लिख के रखती हूँ। जैसे मेरी शादी हुई, जैसे कोई बेचारा पति बना, वैसे ये डायरी उसके हाथ में पकड़ा दूंगी और बोलूंगी कि पहले पिछला हिसाब किताब क्लियर करो। अच्छा है, शादी के पहले उम्र बढ़ाई तो उधारी तो चुकानी पड़ेगी। तुझे बता कि तेरा पति क्या देने वाला तुझे इस बार? पता नहीं क्या देंगे, सामने होते तो पूछ लेती। तो सीधे सीधे बता रही है या नहीं? करवा चौथ में क्या देने वाला तेरा पति? बोल रहे थे iPhone 13 दिलाएंगे। iPhone मेरा नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, शाम को क्या करोगी? शाम को अध्याकती हो, मोबाइल की बैटरी अगर कम हो जाएगी तो चार्ज में लगा दूंगी। अरे यार मेरा मतलब ये है कि करवा चौथ में पति अपने हाथों से कुछ खिलवा के व्रत तोड़वाता है, तो तुम किसके हाथों से व्रत तोड़ोगी? मैं जोमैटो से पिज्जा मंगवा लूंगी, कोई ना कोई डिलीवरी बॉय तो आएगा पिज्जा देने अपने हाथों से। अच्छा आइडिया है ना? अच्छा आइडिया व्रत तोड़ने का, पति टाइम से ना आए जोमैटो में ऑर्डर कर दो, डिलीवरी बॉय तो आ ही जाएगा टाइम से। तो ये बता कि चांद कब निकलेगा? 11 बजे का टाइम है उसका। पता कर कहां तक पहुंचा है? वो चांद है, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं कि गाड़ी नंबर डालो और रनिंग स्टेटस पता कर लो। अरे यार तो 11 बजे तक तो मैं भूखी नहीं रह पाऊंगी। अब वैसे भी होने वाला पति अभी पति हुआ थोड़ी है, और पता नहीं कैसा होगा, तो मुझे क्या वो लंबा जिए या लंबा जाए। तू एक काम कर, 80 साल के आदमी से शादी कर ले। ये भी सही है, 80 साल के आदमी से शादी कर